हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूस क्लास। आज हम क्लास फोर की प्रैक्टिस वर्कशीट्स करेंगे। आज की वर्कशीट में भी मिक्स क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE, ICSE, NCERT और ओलम्पियाड सभी के सिलेबस पर बेस्ड हैं, इसलिए आप अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप इजीली ओलम्पियाड के एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे फॉलो कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, आपको उसको डिस्क्राइब करना है एडजेक्टिव को यूज़ करके, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड को यूज़ करके आपको उसे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है हमारा एक कार का, तो इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज़ अ ग्रीन कार। तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? ग्रीन। कौन से रंग का कार है? ये हरे रंग का कार है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब कि एडजेक्टिव हुआ ग्रीन। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, मतलब एटलीस्ट दो सेंटेंसेस तो लिखने ही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पिक्चर है हमारा एप्पल का। तो एप्पल को देखते ही क्या दिमाग में आता है? कि वो रेड कलर का होता है। वैसे एप्पल दो कलर के होते हैं, पर यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है वो रेड कलर का है। तो इसमें सबसे पहला मैं क्या लिखूँगी? I like red apple. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ रेड। नेक्स्ट मैं क्या सेंटेंस बना सकती हूँ? एप्पल बहुत हेल्दी होता है, तो एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड इज गुड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एप्पल को डिस्क्राइब किया। तो समझ में आ गया हमें कैसे डिस्क्राइब करना है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स। तो इसमें भी अगर हमें लिखना है कोई एडजेक्टिव तो हम कैसे लिखेंगे? द गिफ्ट बॉक्स इज़ येल्लो इन कलर। यह पीले रंग का है, दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे हुआ येल्लो एडजेक्टिव। नेक्स्ट लिखा है हमने आई गेस अ बिग गिफ्ट इज़ इनसाइड द बॉक्स। तब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिग। नाउ आवर नेक्स्ट पिक्चर इज अ पपाया। तो यहाँ पे एक पपाया दिख रहा है हमको, उसको देखते ही हम ये लिख सकते हैं दिस इज़ अ राइप पपाया, यह पक्का पपाया है। तो राइप हो गया एडजेक्टिव, उसे हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? कैसा पपाया है ये? राइप, पका हुआ है। ऑरेंज कलर का होता है ना पक्का पपाया, और रॉ पपाया क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो राइप फॉर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इनसाइड इट द सीड्स आर वेरी स्मॉल, उसके अंदर जो बीज दिख रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इनसाइड इट द सीड्स आर वेरी स्मॉल। तो स्मॉल हुआ एडजेक्टिव। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, अंडरलाइन द नाउन। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वहाँ पे आपको जो नाउन है उसे अंडरलाइन करना है, और एक सेंटेंस में दो नाउन भी पॉसिबल है। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। तो यहाँ पे अगर किसी का नाम आए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं पशु का नाम आता है, तो हमें वहाँ पे अंडरलाइन करना है। लेट्स सी,
First, the railway station is a crowded place. तो यहाँ पे noun क्या है? Railway station and place. Railway station जगह का नाम है और place भी noun है. Next, my brother visited Goa in his vacation. तो यहाँ पे भी कौन सी जगह का उल्लेख हो रहा है? किस जगह की बात कर रहे हैं हम? गोवा. तो यहाँ पे भी noun हुआ हमारा गोवा. और एक noun दिख रहा है brother, common noun होता है, तो यहाँ पे brother को भी हम underline करेंगे. Next, Madhu is an honest lady. यहाँ पे person कौन है? Madhu. तो Madhu person का नाम है, तो Madhu को हम underline करेंगे. Lady is also noun, common noun, तो lady को भी underline करना है. Next, the ball is near the pond. यहाँ पे ball क्या है? वस्तु है, thing है. तो ball हुआ noun और place क्या है? Pond. तो pond भी हुआ noun. We underline both ball and pond. Next, many people travel by train. People हो गया, person में आ गया. और क्या हुआ? ट्रेन. ट्रेन हुआ वस्तु में आ गया. नेक्स्ट, वी सॉ अ पीकॉक इन द जू. पीकॉक एनिमल में आएगा और जू प्लेस में आएगा. तो सो आई विल अंडरलाइन पीकॉक एंड जू. नेक्स्ट, आई हैव अ लिटिल पेट कैट. तो यहाँ पे क्या हुआ? एनिमल है. तो एनिमल कौन सा है? कैट. सो आई विल अंडरलाइन कैट. नेक्स्ट, इंडिया इज रिच इन कल्चर एंड डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे एक ही प्लेस दिख रहा है हमको. कौन सा है प्लेस? इंडिया. सो आई विल अंडरलाइन इंडिया. सो अंडरस्टैंड नाउन. तो यहाँ तक जिन बच्चों ने किया है उन्हें क्लैपिंग. Now move to our next section. Question is, rewrite the sentences by changing the gender of the underlined nouns. अब यहाँ पे कुछ noun है जिसे हमने underline किया है, हमें उसके gender को change करके sentence को फिर से दोबारा लिखना है. First one, the king is very greedy. Underline word is king. So I will write, the Queen is very greedy. Next, I saw a black horse in the field. I will write here, I saw a black mare in the field. Female gender of horse, mare. Rhea met with her landlord in the party. Rhea met with her landlady in the party. Mike want to go with his mother. Mike want to go with his father. The waiter in the restaurant is very lazy. The waitress in the restaurant is very lazy. So understand this question? इसे पूरा लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है. आपको अगर जेंडर मालूम है तो आप इजीली इसे कर पाएंगे. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. राइट द प्लूरल्स. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको सिंगुलर प्लूरल तो आता ही है, तो इसे फटाफट हम कर लेते हैं. की, कीज. वाई से एंड होने वाले नाउन में हम एस लगा के प्लूरल बनाते हैं. लाइफ, लाइव्स. एफ ई है इसीलिए एल आई वी एस हो गया. टूथ, टीथ. ये एक्सेप्शनल केस है. फैमिली, फैमिलीज. यहाँ पे भी वाई है, तो वाई के पहले अगर कोई कंसोनेंट आता है, जैसे एल आया है इसीलिए आई ई एस लगाया. वहाँ पे की में वाई के पहले वॉवेल आया था ई, इसीलिए हमने सिर्फ एस लगाया था. क्लास,
क्लासेस, डबल एस से एंड हो रहा है इसलिए ई एस लगा करके हम प्लूरल बनाएंगे। चाइल्ड, चिल्ड्रेन, एक्सेप्शनल वन, आपको ये याद करना है। कैटल, कैटल, कैटल का प्लूरल चेंज नहीं होता है, वैसे ही रहता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो जिन बच्चों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से आंसर दिया है उनके लिए ये विनर की ट्रॉफी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।